वेलकम टू येट अनदर व्लॉग बाय द इंडियन सेलर। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा किस तरह से कोको अपने से साइज में 10 गुने जेपी से भी पंगा लेती है। एंड होप यू ऑल रिमेंबर द स्पेशल फ्रूट काफल फ्रॉम द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, जो बस एक डेढ़ महीने ही जून जुलाई में अवेलेबल रहता है एंड एक काफ़ी टेस्टी सीजनल फ्रूट है। सो लंच करने के बाद उसे पचाना भी ज़रूरी है, और खाने को पचाने के लिए हम निकल पड़ते हैं एक ट्रैक पर। एंड जितना भी ट्रैक में चलना पड़ा सब वसूल होता है ऊपर पहुंचकर, कॉज द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस वॉज एक्सॉटिक, और ऊपर चल के जाना पूरा वर्थ था। सो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हमारा जेपी और कोको के साथ ट्रैक कैसा रहा और ऊपर से नज़ारे कैसे थे जिनकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो भाई नेक्सॉन निकल गई, टियागो भी निकल गई, एंड हम लोग जाएंगे अभी ट्रैक की तरफ। सो ये है अपना ट्रैक और वो खड़ा है, देखिए इतना भी ठंडा नहीं हो रहा है, वहाँ खड़े खड़े ठंडा लग रहा था, अच्छा चलते हुए थोड़ा लगने वाला। पीपल आर आस्किंग दैट व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग मच ऑन व्लॉग्स, बिकॉज़ आई एम कैमरा कॉन्शियस। तो कब सही हो जाएगा ये विद टाइम ठीक होगा। कितना टाइम अभी नहीं पता। कितना टाइम तुम्हें कैसा लगा ये बताओ यहाँ के? मजा आ गया। जेपी से मिलके कैसा लगा? जेपी इज द ग्रेट खली, द ग्रेट खली इज रनिंग। इसका द ग्रेट खली नाम रखना चाहिए था इसका। हैं जी 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 डर लग रही ना, मैं तो छू दूंगा आप तो वैसे भी नहीं खाते। क्या दिखाई दिया इसको? तुम डर तो नहीं गया? चीता वीता तो नहीं दिखाई दिया? अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी बारिश भी हो रही है। यार बोलो कहाँ है? यहाँ पे मिला था मुझे, वहाँ से मैं वहाँ से ही अड़ा था, वहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आया, मैं पीछे देखा था वहाँ अड़ा था मैं, ऐसा बोल तेंदुआ हाँ। दो मिनट में घर जिसको लेके गोली हो गया मैं यहाँ से। अच्छा तो भाई गाड़ी भी आ गई है, हम लोग तो ट्रैक करते करते थोड़े जल्दी पहुँच गए, पीछे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली अपनी गाड़ियों की आ रही है। देखो नेक्सॉन सॉन और उसके पीछे आ रही है अपनी टियागो, तो बहुत कार स्टाइल, और ये निकल गई। तो ये गाड़ी भी पहाड़ियों पे कोई दिक्कत नहीं देती है, बहुत इजीली चलती हैं। अच्छा कौन सी जगह है, क्या बोलते हैं इसको? धरती डूंग, धरती डूंग, डूंग तो हमें पता है यार, पत्थर। टियागो एंट्री ऑफ दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन इन स्टाइल। ट्रैक चालू हो चुका भाई लोगों का, कोको भी है बट कोको को पकड़ रहे हैं। हाँ कर दे पैदल कर दे, बस पकड़ के रख, चढ़ेगी ये खुद ही, पहाड़ी कुत्ता ही है। देख देख उसको, उसके पीछे भागने है उसको। यहाँ पे भैया बहुत सारी वो भी हैं, जोंक लीच बोलते हैं जिसको, खून वून निकाल सकता है पैरों से। ब्यूटीफुल यार। सो कोको मामा और रे मिस्टीरियो विद अ चुटिया एंड हमारा दूसरा जे भी दोनों आसपास, और यहाँ से आप देखेंगे खाई का नज़ारा, सब बहुत डर रहे हैं यहाँ से फिसल गए तो मतलब कहानी कर रहा हूँ, वही बहुत खतरनाक खाई है, इसके नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैन वर्सेस वाइल्ड इतना ठीक है, ज़्यादा वाइल्ड नहीं बनना चाहिए। और ये देखिए कोको ऑन एंड जेबी ऑन टॉप ऑफ हिल्स, पूरा हिमालय दिखता है। तू तो बहुत
अच्छा हाँ, ये पूरा हिमालयन रेंज तो है। हाँ हिमालयन रेंज अभी दिखाई नहीं दे रही, बादलों से ढक गई है। देख लो बहुत बढ़िया, वो तो नीचे गांव देखो, वहाँ कहाँ कहाँ दिख रहे हो, यहाँ लोग आते होंगे ना। बड़ी जबरदस्त है ये, इसको लेके खड़े हो जाओ, डर भी नहीं लग रहा है इसके सामने खड़े हो जाओ। ऐसे भाई का तो रोज का है, इसके ले लो फोटो, उसको भेज देना। ये क्या बढ़िया फोटो आ रही है यहाँ पे, बैठ गई, ऐसा लग रहा है कौन सी जगह ही आया हुआ है। तो ट्रैक अब नीचे का चालू, चलो कोको मामा और ये अपना जेबी, इसका नाम जेबी, बढ़िया नाम रखा है जेबी। जेपी 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 सीमेंट है हमारा है, मतलब जेबी। कुछ तो नया देखा, कुछ तो नया किया, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस, चेंज होता रहना चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल धाकट धाकट रिपोर्टर, मास्क पहनाओ इनको। नहीं बढ़िया, मोहित भाई को पता था, यही ला सकता है जिसको पता है। ये बढ़िया था, ये सही था गुरु, ये सही था। तो देखो अभी भी उसकी नज़र वहीं है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है कोको। रुक जा खा लो, मेढक की तरह खूब मार के उड़ा देगा इसको। इसको देखो ना कितना जोर लगा दिया, जाना घोस को भी ऐसे कभी घुमाया होता है, घोस को ही मजा आता। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, एंड थोड़ा चलना भी हो गया जो हमारी डेली लाइफ से काफ़ी मिसिंग है, एंड स्पेशली ट्रैक तो भाई बढ़िया ही चीज़ है। तो ट्रैक हम लोग का ख़त्म हो गया, नीचे पहुंच गए, ज़बरदस्त लग रही है अपनी नेक्सॉन, बारिश में धुल गई है गाड़ी। और ये है भाई टियागो, और ये है जे बी द ग्रेट खली, एंड वो है कोको, रे मिस्टीरियो है। इसके चुटिया भी तो वैसी बनी है, वैसी लग रही है। सो रेडी टू गो, चलो भाई चलो, ready to go, चलो चलो भाई ठीक है, मिलते हैं। दादी दादी ओए, प्रेम स्टीरियो को अंदर रखो, को को को, बाय बाय, हे आई नो इट, बाय 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 बाय, चलो कोको भाई बाय। अच्छा ये प्लास्टिक की तरफ कहीं रास्ते में फेंक देंगे ना, कहीं डस्टबिन आएगा, ये सही काम किया। सो ये था हमारा वृद्ध जागेश्वर ट्रैक व्लॉग, होप यू लाइक दिस व्लॉग ऑफ 3 एपिसोड्स, जहां आपको मैंने अल्मोड़ा से वृद्ध जागेश्वर की हमारी जर्नी और कुछ नई चीजें जैसे काफल फ्रूट दिखाया, एंड नॉट टू फॉरगेट द ग्रेट जेपी। And if by chance आप वृद्ध जागेश्वर आते हैं, then do visit this track of धटी डुंग, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है, but वहाँ से आपको अल्मोड़ा के साथ कई दूसरे गाँव का भी एक काफ़ी बेहतरीन व्यू मिलेगा। सो होप दिस ब्लॉग वॉज अगेन इन्फॉर्मेटिव एंड इन्जॉयबल फॉर यू, सो ऐसे ही इन्जॉय करते रहिए, एंड आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।